क्राइम ब्रांच भोपाल ने ऑनलाइन हार जीत का दावा लगाते हुए सट्टा खिलाने वाले चार सटोरियों को धर दबोचा आरोपियों से जबकि लाखों का मशूका। क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि होटल लक्ष्मी विलास के सामने पटेल नगर थाना मंगलवारा में कुछ लोग सिल्वर कलर की स्विफ्ट कार में बैठकर ऑनलाइन क्रिकेट पर सट्टा खेल रहे हैं। युवक को वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम रवाना कर आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले आरोपी को धर दबोचा। आरोपी से 7 मोबाइल, एक स्विफ्ट कार जब्त की। वहीं एसीपी मुख्तार कुरैशी का कहना है कि पूछताछ जारी है। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। सर, भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा सर सट्टे पे लगाने वाले सर कुछ आरोपी को पकड़ा है सर, क्या था पूरा मामला, लगभग कितना मशहूर का? जी हाँ, देखिए जैसा कि विदित है कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव विभिन्न चरणों में लगातार संपन्न हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव को निर्विघ्न, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस कमिश्नर नगरी पुलिस भोपाल श्री हरिनारायण चौधरी मिश्र द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को रेगुलर उनकी मीटिंग की जा रही है और निर्देशित किया गया है। विशेष रूप से क्राइम ब्रांच भोपाल को इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि कोई भी अपराधी, कोई भी तस्कर, कोई भी वारंटी स्वच्छंद रूप से सड़कों पर घूमता दिखाई नहीं देना चाहिए। इसी कड़ी में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा की जा रही है और क्राइम ब्रांच भोपाल को ये टिप मिली थी कि कुछ लड़के कार में घूम करके भोपाल में और आईपीएल का सट्टा संचालित कर रहे हैं। उस सूचना से डीसीपी क्राइम श्री संजय सिंह सर को अवगत कराया गया, उनके द्वारा प्लानिंग की गई। प्लानिंग करने के उपरांत 2 टीमें बनाई गई और 2 टीमों के द्वारा मंगलवाला क्षेत्र में दबिश देके और एक स्विफ्ट डिजायर कार में घूमते फिरते 4 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। उनके पोजीशन से 7 मोबाइल और कार और अन्य सट्टा संबंधी उपकरण जब्त किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ में ये मालूम पड़ा है कि उनके द्वारा जो है ऑनलाइन आईडी बनाकर और लाखों रुपए का सट्टा खिलाया जा रहा था। अभी तक का जो है विभिन्न आईडियों में जो ट्रांजेक्शन्स हमको मिले हैं बैंक्स के, वो राशि जो है लाखों में पहुँची है और उसमें लगातार अभी कार्रवाई की जा रही है। इन आरोपियों के पूर्व रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी संकलित की जा रही है और आरोपियों से पूछताछ में हमें जो इनपुट मिले हैं उस पर भी हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इनका बैकग्राउंड क्या था? देखिए, ये बेरोज़गार थे और पढ़े लिखे हैं और बहुत तेज़ी से जो है वो बड़ी भारी धनराशि कमाने की नीयत से जो है इनके द्वारा ये इसमें आईपीएल के सट्टे में इन्वॉल्व हुए हैं।